रोका हुआ भाई लोग होगा तू। गोरिल्ला के साथ गोरिल्ला का बच्चा नहीं चलेगा। ओह माय गॉड। तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड यू आर राइट नाउ वाचिंग राहुल द इंडिपेंडेंट ग्रेड। तो फाइनली गाइस आज सुबह का प्लान ऐसा हुआ, इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा हम लोग एक जगह जा रहे हैं घूमने के लिए, तो स्पॉट पे डायरेक्ट चल के ही आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, ब्लॉग पे बने रहिए, जितना भी ब्लॉग है अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग यही वाला होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड लोग बुला रहे हैं, जल्दी से निकलते हैं, देरी हो रहा है। ठीक है, लेट्स पिक है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है, अभी फिलहाल प्लान है बस के पास जाने का, अभी टोटो में जा रही है, देख सकते हैं हम लोग का टोटो ड्राइवर का जिसान भाई थोड़ा हाय बोल दिए। तो गाइस थोड़ा देरी में हम लोग बस स्टैंड पहुंच जाएंगे, बस ये रास्ता का सीन शूट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बस में बैठेंगे फांका बस बस स्टैंड से, उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे पार्क के तरफ। तो गाइस इसी बस में जाने का हम लोगों का प्लान है। तो गाइस यही वाला बस है जाने के लिए। ऐसे तो हम लोगों ने गाड़ी बुक करके रखा था, लेकिन हम लोग का जो टीम है ना काफ़ी बड़ा है, करीब 15 से 18 लड़के हम लोग, तो किसी भी कार में या जीप में हम लोग फिट नहीं आ रहे। ठीक है, काफ़ी सारा ओमनी भी किया, फिर जा कर के कुछ मैजिक गाड़ी भी किया था, लेकिन किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा। जितना भी ड्राइवर बोल रहा है कि इतना बंदे नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने कैंसिल करके बस में ही जाने का प्लान किया। तो गाइस सबसे पहले तो बस में उठते हैं। ठीक है, पूरा बस यहाँ फाका है, अपना कुछ बंदे लोग यहाँ पर आराम से चिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना सीट यहाँ पर कौन सा बनेगा दिखता हूँ। चलिए ये वाला सीट में बैठते हैं पहले। हाँ भाई, फिलहाल बस से उतर चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे धक्का मुक्की काफी हुआ लेकिन काफी मजा आया, तो चलिए अभी डायरेक्ट पार्क की तरफ चलते, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। सीन एकदम पूरा एकदम लग रहा थे भाई, पूरा कलाकार सर में तो पूरा आग जल रहा है बाबू, पूरा निको बार तो आज तेरा नाम हो यार। तो गाइस पार्क तो पहले बहुत बार ही आया हूँ, लेकिन इतना लंबा ग्रुप लेकर के पहली बार आ रहा हूँ। ठीक है, काफी एंजॉय आने वाला है। बस सामने में ये थोड़ा सा पैदल चल रहा हूँ, थोड़ा देरी में ही पहुँच जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग पार्क में एंजॉय से पहले ही यहाँ पे सुसुवान चल रहा है। ठीक है, अपना भाई लोग जगह जगह पकड़ लिए हैं, पेशाब कर रहे हैं। ठीक है, ओ भाई, ओ दादा लोग बहुत छोटा नजर आ रहा हो भाई तुम लोग। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ कलकत्ता सबसे बिगेस्ट पार्क, वन एंड ओनली निको पार्क। गाइस प्लान ऐसा था यहाँ पे आके आप लोगों को शौक देने का था, लेकिन मुझे खुद शौक लग चुका है। हम लोग ग्रुप में एक मेंबर का यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है, तो चलिए यहाँ पे केक वूक काटते हैं और बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कहाँ ब्रो मेरे भाई का बर्थडे।
खतरनाक है। पहले खड़ा बता, ओ बाबा क्या बड़ा बड़ा चूल्हा बाबू, रेडी एक दो तो भाई अभी हाल देख सकते हैं, ठीक है ना, ना कर मुंह का क्या अवस्था हो गया, बर्थडे क्या मना रहा हूँ, केक चलाया चलाई हो रहा है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं केक का साथ अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ओ भाई तो कहा नीचे जा रहे भाई, देखो यार खाली केक चलाया चलाई हो रहा है। तो ये वाला जो है ना भाई सीन काफ़ी मज़ेदार हो गया, मुझे तो खूब शौक लग गया कि एक बंदे का हम लोग यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है, पूरा केक उक लेकर के पूरा इंतजाम था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो भाई कैसा लग रहा है वीडियो ले भाई, ये देखो, नहीं होगा भाई, केक से एलर्जी हमको, मीठा से एकदम से भाई लोग। तो बर्थडे बॉय कुछ बोलना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी मिल रहा है भाई, बहुत खुशी मिल रहा है, एंजॉय फुल एंजॉय, क्या हाल होकर हो रखा है हम लोग। देखो भाई, भाई का बर्थडे क्या हाल कर दिया भाई, भाई का बर्थडे, ठीक है ठीक है, फुल एंजॉय कर रहे। गेट में डूबने से पहले इतना ज़्यादा एंजॉय आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, अभी गेट में डूबने के बाद ना जाने क्या होगा। तो गाइस ये वाला जो गेट देख रहे हो ये एंट्री गेट है, ठीक है ना, बगल में एक काउंटर है वहाँ देख सकते हो, और यहाँ एक बगल में एक काउंटर है। तो अभी सुबह का बज रहा है 9 और पार्क खुलता है 10 बजे, हम लोग एक घंटा आगे ही आ गए क्योंकि लॉकर वॉकर का काफ़ी झमेला रहता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में हेडिंग देख सकते हो आप लोग निको पार्क का, तो अभी थोड़ा ही देर में एंट्री होगा अपना, तो अंदर में क्या धूम मचाएंगे पूरा सीन आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं अभी टिकट काउंटर के पास में हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का भी यहाँ पे आने का प्लान हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग यहाँ पे पास के थ्रू में आ रहे हैं जिसका प्राइस है 550 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग हेडिंग देख सकते हो सामने में, ठीक है, मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। अलग अलग राइड के लिए अलग अलग प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप खाली हाथ में डुबते हो तो ऑल राइड के लिए आपको 850 रुपये लगेगा, और पास के थ्रू में 550 रुपये लगेगा, और ऐसे नॉर्मल अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो शायद 300 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। जो चैट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर से विजिट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है खुलने में अभी भी देरी होगा, ठीक है। गाइस टिकट मिल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली गाइस अभी अंदर आ चुके हैं, ठीक है। फ्रेंड को भेज रहा हूँ लॉकर का चाबी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी देरी वेट करने के बाद अभी मैं थक गया हूँ, तो थोड़ा बैग उग रखूँगा, उसके बाद हल्का होकर के उसके बाद राइड के लिए चलूँगा। अभी प्लान देखते फ्रेंड लोग से पूछते, पहले वाटर पार्क में जाएंगे या सबसे पहले राइड लेंगे। सीन देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। फाइनली हम लोग वाटर पार्क में भी आ चुके हैं। अभी सबसे पहले सामने में लॉकर, लॉकर के अंदर इसको डांस कर रहे हैं, भाई को देख रहे हो, भाई क्या खुशी का ठिकाना नहीं है। तो अपना वाला लॉकर सबसे पहले खोजते हैं, उसके उसमें सब बैग उग रखते हैं, उसके बाद ऐसे निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं लॉकर में सामान रखने के बाद, अभी जैसे ही राइड के लिए निकला हो तो बारिश स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं आप लोग बारिश हो रहा है। तो मेरे साथ हमेशा अक्सर यही होता है कि जब भी प्लान बनता है कहीं पे जाने का तो बारिश वहाँ पे लगे ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कब तक बारिश छूटता है और हम लोग राइड करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। गाइस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, अभी से जो सीन स्टार्ट होगा ना भाई, उफ क्या मैं बताऊँ, मैं खुद जो है ना इतना बेताब हो रहा हूँ जाने के लिए, क्योंकि ये बारिश जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही छूटता है वैसे ही जाएंगे और आप लोगों को राइड का पूरा सीन और क्या मजा करते हैं पूरा सीन दिखाएंगे भाई लो। बस
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक हो चुका है। यहाँ पे निकोबार में हम ही लोग घूम जाएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल बारिश रुक चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ रहे थोड़ा सा राइडिंग करने के लिए राइड में, तो चलिए आप लोगों को विजिट करवाते हैं यहाँ का एक पे एक राइड, ठीक है। देखना उसके बाद डिसाइड करना आप लोगों को यहाँ पे आने का है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी सबसे पहला प्लानिंग हुआ हम लोग राइड का स्काई डाइवर ऐसी कुछ नाम है। ऊपर में हेडिंग देख सकते हैं काफ़ी मिनी यार छोटा देखा रहा है। नहीं जाएंगे हम लोग सबसे पहले, अभी फ्रेंड लोग लाइन दे करके मैं साइड में आकर के वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें का सीन आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाते हैं, कैसा मज़ा आता है फील करना बस आप लोग। बोलो तो कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? एक नंबर। तो गली डरना मत, ठीक है ना, एकदम चीर फाड़ देना। जिसान भाई कितना डर लग रहा है आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, तो बस देखते हैं। अभी हम लोग लाइन के लिए खड़े हैं, ठीक है। राइड का नाम है स्काई डाइवर। तो निशान भाई कैसा लगा? ओ यूसुफ भाई, हम लोग सुना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओ माय गॉड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ का व्यूज दिखाता हूँ। विशाल भाई, ओ माय गॉड, पूरा खतरनाक हो रहा है गाइस। माल मसीहा, ओ माय गॉड, इन देखो गाइस अभी, ओ माय गॉड, खतरनाक हो रहा है भाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरा वायरिंग शॉर्ट। सीन देखो भाई लोग का, सीन देखो एक बार। यहाँ भाई भी इधर देखो भाई लोग का, फुल मौज आ रहा है यहाँ पे। ऊपर में भी ब्लॉगिंग हो रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, गला मत दर्द करो। हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, चलेगा। ये बगल वाला राइड में जाने वाले हम लोग, देखते हैं वहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं। सारा सीन आप लोगों को दिखाएंगे, बस ब्लॉग में बने रहिए। मुझे तो लगता है फोन पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा दिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो प्रिंस भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा भाई, आप लोग भी आइए। फ्रेंड लोग के चक्कर में गया, चलिए अभी दूसरे किसी राइड में जाते हैं, आपको वो दिखाते हैं। भूल में जा। तो गाइस ये वाला काम का राइड है, देखते हैं इसमें कैसा मजा आता है हम लोगों को। कहाँ चला? ये वाला राइड है भाई, मानना पड़ेगा। खाली उछल रहा बैंक की तरह, चला रहा उछल रहा, यानी क्या है, एक रॉक का जैसा एक राइड में बैठे खाली उछल रहा है। ओ शाबाश भाई, लग रहा है एक बार और उठना पड़ेगा। फाइनली एंड
हुआ है, हमको चाप दिया है लोग, देखना ये देखा ही दे Oh my God, हुआ, हुआ, हुआ। तो गाइस क्या पता क्या मन में आया, अभी बच्चा वाला राइड में जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं ठीक है, ये बच्चा वाला एक स्केट है शायद, स्केट बच्चा लोग का है ये, तो चलिए इसे भी एक बार यूज करके देखते हैं। सर एक बार स्लिप कर ले रहे हैं, उसके बाद आर नहीं उठना है, क्योंकि यहाँ का जो सर लोग हैं ना वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, बोले ये बच्चा का राइड इसमें तुम लोग नहीं झूल सकते। एक लेटेस्ट चीज़ यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं गोरिल्ला के साथ गोरिल्ला का बच्चा नहीं चलेगा, सॉरी गाइस मैं गोरिल्ला का बच्चा नहीं हूँ, गोरिल्ला के साथ गोरिल्ला का बच्चा। तो अपना पूरा बंदा लोग आ रहा है देख सकते हैं, पार्क में अभी फिलहाल हम लोग सुबह में एंट्री किए हैं, देख सकते हैं पहला एंट्री हम ही लोगों का था, और अपना ही बंदा लोग अभी धूम मचा रहे हैं यहाँ पे। तो एक राइड में और बैठ चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं अपने बंदे लोग, तीन बंदे बैठे हैं हम लोग ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का व्यू दिखा दें आप लोगों को ठीक है, नीचे में देख सकते हैं बोर्डिंग हो रहा है ठीक है, बोर्डिंग होता है लेकिन अभी बंद है। तो हम लोग हैं सागर भाई, हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं मेरे साथ ठीक है, देख सकते हैं भाई का टूटा फूटा ब्लॉगिंग। तो अभी हम लोग ये वाला राइड में तीन आदमी बैठे हैं, प्लान है साइक्लोन जाने का, साइक्लोन ही जैसा है, छोटा मोटा है ये वाला, उतना इंजॉय नहीं आ रहा, लेकिन अभी साइक्लोन में जाएंगे देखेंगे वहाँ पे कैसा लगता है, फर्स्ट टाइम मैं साइक्लोन में उड़ूंगा, फ्रेंड लोग को बहुत बोल रहा है कि बहुत डेंजरस है, तो चलिए चलते हैं राइड उतरने के बाद। तो अपना भाई लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं फोगट का, भाई पैसा लगेगा उड़ने का, जो बातें क्लियर ठीक है यार, तो एक ही राउंड करके घुमा रहे हैं लोग। आइए सर, आइए सर। अरे हम लोग भूल मत करेंगे, अभी हम लोग बॉमी बॉमी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ले रहा था, अब हालत खराब होने आपको आया, फट रहा है।
हम उल्टे बैठे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ चुका मुझे नहीं आ ओ जी रुको जा तो गाइस राइड का तो मुझे एक्सपीरियंस है लेकिन फ्रेंड लोग को नहीं था झूलने के बाद ही भूमि भूमि फैला रहा देख सकते तो जिसान भाई कैसा लग रहा आपको बहुत अच्छा लग रहा भाई थोड़ा बंद था बोल गया भाई इसलिए उल्टी उल्टी हो रहा भाई तब कोई बात नहीं है भाई धन्यवाद तो गाइस अभी मैं साइक्लोन के पास में हूँ ठीक है मैंने सुबह से पोपट हो रहा है जैसे ही अंदर एंट्री हुआ बारिश स्टार्ट हो गया और अभी खबर मिल रहा है कि ये वाला राइड जो है बंद है क्या मैं बताऊँ यार पूरा पोपट हो गया पूरा 550 रुपया लॉस हो गया मेरा तो देख सकते आप लोग सीन देखिए वहाँ का अगर उसमें जाते ना भाई क्या मज़ा आता क्या बताऊँ यार 550 पूरा नुकसान हो गया राइड ही बंद रखा जिसके लिए मैं आया था खास करके वही बंद है तो अभी प्लान है जा रहे नहाने के लिए ठीक है तो चलिए वहाँ का सीन आप लोग दिखाते हैं ऐसे तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ़ोन लेकर के मैं पानी में जा नहीं पाऊँगा क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है अपने पास फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि दिखाने का कुछ नहाने वाला सीन ठीक है तो चलिए जल्दी लॉकर रूम में चलते हैं और ड्रेस चेंज कर दें उसके बाद अबे पी जाएगा चलते हैं डायरेक्ट पूल में फ्रेंडलों के साथ वहाँ पे पानी में डांस करेंगे और नहाएंगे ठीक है ये तो मिला कम से कम फ़ोन ले करके तो पानी में जा नहीं पा रहे इतना जो लहर आ रहा है ना उसकी वजह से फ़ोन खींच जा रहा है चलिए जल्दी से चलते हैं चालू हो गया था थोड़ा देरी आगे मैंने बताया था कि बंद था एक्चुअल में वो बंद नहीं था थोड़ा देरी के लिए ऑफ रखा गया था तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि अभी फाइनली स्टार्ट हो चुका है हम लोग लाइन में खड़े हैं तो अभी थोड़ा ही देरी में आप लोग सीन देखने को मिलेगा राइड का ठीक है कैसा लग रहा आप लोगों को जिसके लिए हम लोग सिद्धत से आए कंप्लीट होने जा रहा है तो कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है ना फाइनली अभी चढ़ेंगे तो आप लोग
तो गाइस फाइनली अभी साइक्लोन में बैठ चुके हैं, पहली बार देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। हम लोग के दिखाओ ना, वाइट लगने वाला है। साइक्लोन का पहला एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था भाई, क्या मैं बताऊं। वीडियो होते होते ना आधा में ही मैं रुक गया, इतना ज़्यादा दिक्कत आने लगा ना कि लास्ट में फ़ोन जो है ना नीचे कर लेना पड़ा, नहीं तो गिर जाता। ठीक है, तो अपना फ्रेंड लोग से पूछ लो पहले, तो कहा भाई कैसा लगा तुम लोगों को? पैंट फटा। अच्छा हुआ, कुछ नहीं फटा। गजब बेइज्जती है हमारे राहुल भाई का, हालत खराब हो गया था इसलिए वीडियो बीच में रोक दी। काय रोका, देखो तो ऑन घटना चाहिए। मेरा प्रेरणा लोग बोल रहा था कि राहुल भाई तुम वीडियो नहीं बना पाओ, मैं बोला देखता हूँ भाई कैसा राइड है। तो जाने के बाद तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, जैसे जब डाउन होने लगा ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मैं पूरा डर सा गया। और जो इतना हिल रहा ना, और उसका जो है क्वालिटी भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है आज नहीं तो कल उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाला है, तो उसमें ना ही उठना भी सही होगा। क्योंकि जब मैं गया ना, जब नीचे आ रहा था ना, तो नीचे का जिसके ऊपर चल रहा है जो पार्ट पुर्ज है पटरी है वो पूरा का पूरा हिल रहा था। तो भाई लोग कैसा लग रहा है, लोग छोड़ के भाई आप लोग घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? इतना साल बाद आया लैन कहा बोले भाई, जाइए हाल खराब हो गया। अब हम तो कभी तो गाइज अपने कुछ फ्रेंड यहाँ पे ये वाला राइड ले रहा है, ठीक है, मुझे लेने का मन नहीं कर रहा। तो आपके सामने फिर से स्काई डाइवर, तो देख सकते हैं एक बार तो राइड कर लिया मैंने, तो दोबारा जाने का प्लान नहीं है, देखेंगे कोई सिंपल और कोई इजी वाला राइड रहेगा तो जाएंगे वो वाला, इसे अबॉर्ड करते हैं अभी फिलहाल। इसमें जाने का प्लान है लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पीड में घुमाता है ना, उतरने के बाद गर्दन दर्द करता है मेरा, तो इसे भी अबॉर्ड करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा झूला झूलेंगे तो ठीक है, नहीं तो टाइम हो जा रहा काफ़ी ज़्यादा, निकलेंगे घर। क्या भाई सही बोले कि नहीं? हाँ, तो गाइस ये वाला राइड में ना हाँ करते करते आखिर नहीं पड़ा, ट्रेन इतना ज़्यादा जिद कर रहा था, चलो इसे भी करके देखते हैं। तो बाबू यूसुफ एक लौता तुम ही एक स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है ना, तो बताना है कैसा एक्सपीरियंस है ये वाला झूला में। तो आप कोशिश करिएगा वहाँ संभल के बैठिएगा। तो गाइस राइट स्टार्ट। ओ भाई ओ भाई, बगल में यहाँ स्काई डाइवर देखना यार, दिखते ही हो आप लोग। पकड़ो ना तुम, गाली मत दो भाई, वीडियो ये घूम रहा सर। ओ भाई लालक का भविना है, जिंदा भाई, जो भाई इधर है, भाई इधर है, भाई का घर में दिखाओ कावा भाई। खतरनाक अरे ऊंचा कर रहा ना, अरे भाई ओ भाई बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। इन किलो में डर तो नहीं लगता है लेकिन जो भूमि भूमि बहुत ज़्यादा आता है, सर ज़्यादा घूमता है। बहुत मजा आ रही है गाइस, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राहुल भाई बहुत मेहनत करे, अभी नए नए हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए,
क्या राहुल भाई? एकदम एकदम, आप लोगों का दुआ आएगा तो इंशाल्लाह ऐसा बहुत पार करेंगे और अपना ऑडियंस को एक से एक ब्लॉग। थोड़ा हालत हमारा यहाँ बहुत खराब तो होगा, झूला रोक सकते हैं आप जब चाहिएगा, हमको मालूम है ना, ये वाला राइड हम पहले भी ले चुके हैं तो इसीलिए मुझे मालूम है। मैं पहले ही बोला था कि ये वाला राइड में मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि राइड में जो भी बैठेगा ना, राइड में मैंने लेफ्ट राइड का बात, राइड में जो भी बैठेगा वो पूरा का पूरा दब जाएगा, क्योंकि इतना स्पीड में ये घुमाता है ना। अभी तो फिलहाल काफ़ी हल्का घुमा रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, आधा तो नहीं आना। मेरा जो गर्दन है ना, सुबह रुकने के बाद ये वाला गर्दन है ना, मैंने अगर पकड़ा इसीलिए ऐसा है तो इधर करने नहीं चाहिएगा, ठीक है? ये ऐसे कैसे ही यार, इतना स्पीड में हाँ। तो गाइस शाम होने को आया, लास्ट एक छोटा साइक्लोन में जाते हैं, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब अगर कभी भी नीको पार्क आऊँगा तो साइक्लोन में कभी भी नहीं जाऊँगा, तो देखते हैं ये वाला छोटा साइक्लोन कैसा लगता है। मैंने तो अभी उड़ा नहीं हूँ, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है इसमें, क्या एक्सपीरियंस है। तो अभी अपना प्रिंस भाई झूल लिया वहाँ पर, ठीक है, राइड ले लिया, तो अभी देखते हैं मेरे साथ कौन बैठता है। छोटा साइक्लोन लेकिन अधिकतर सुने बहुत अच्छा, और बड़ा स्कूल एंजॉय ऑल गाइस, बड़ा साइक्लोन में चाहूँगा। इंग्लिश थोड़ा नॉर्मली आता है और हिंदी बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय आ रहा है। राहुल भाई हम लोग के साथ है, आज पहले देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, अलावा चैलेंज को आगे बढ़ाए, आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, घंटा बजा दें, आप लोग को फेमस बनाते हैं हम लोग को। बहुत अच्छा ब्लॉगिंग, बहुत अच्छा, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। खतरनाक एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा। ये वाला साइक्लोन तो नहीं लेकिन साइक्लोन जैसे ही है, बहुत एंजॉय आया भाई। काफी साथी है तो इस बात में एक लाइक जरूर कीजिए। आप लोग इधर देख सकते हैं, आज का दिन जो था ना, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा बोरिंग टाइप था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा, सबसे पहले क्या हुआ ना, गेट में जैसे एंट्री की हम लोग वैसे ही पानी आने लगा। उसके बाद नेक्स्ट जो खबर मिला वो था साइक्लोन बन, जिसके लिए हम लोग मेन मैंने इंटरेस्ट के साथ आए थे। सब फ्रेंड लोगों का यही एक शौक था कि एक बार साइक्लोन का जो नाम सुना था ना हम लोग वहाँ पे, तो उसके बाद जो है ना काफ़ी जो इंटरेस्ट जाग गया फ्रेंड लोग का कि भाई जाना है तो साइक्लोन में ही जाना है। तो निशान भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आपका? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, हम लोग जितना भी हम लोग घूरे साइक्लोन घूरे इससे बड़ा वाला साइक्लोन घूरे हम लोग, हाँ, तो बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है। हमारे राहुल भाई बहुत वीडियो करा शुरू से, आप लोग राहुल भाई को सब्सक्राइब किए, उसको आगे बढ़ाएं, उनके चैलेंज को घंटा मार दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। अनाउंस हो रहा है बाहर निकलने के लिए, टाइम हो ही गया, तो अपना बैग उग ले लिया है, देखते हैं फ्रेंड लोगों का कब प्लान होता है, अगर कोई राइड वाइड है, अगर झूलना बाकी रहेगा तो वो झूलेंगे, नहीं तो सीधा बाहर जाएंगे, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आए थे लॉगर का चाबी लेने के लिए, चाबी देने के लिए और पैसा लेने के लिए रिटर्न, क्योंकि कुछ एडवांस देना पड़ता है। और अभी फिलहाल हम लोग का टूर जो है यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, और मेरा फ़ोन का बैटरी भी एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4% से चार्ज हो रहा है। देखते हैं अगर कुछ मिलता है दिखाने लायक तो दिखाऊंगा, नहीं तो फ़ोन ऑफ हो जाएगा, तो आप लोग समझ जाना कि ब्लॉग यहीं से एंड है। अब एंड अभी नहीं कर रहा हूँ, घर में जा करके जब एडिट करूँगा तब एंड करूँगा, ठीक है? तो फाइनली गाइस आज का जो राइड था पूरा कंप्लीट हो गया, नीको पार्क पूरा हम लोग ने छान बीन करके पूरा धूम मचा दिया, ठीक है? तो अभी अपने बंदे लोग से पूछ लो, ऊपर में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है?
ठीक है ना। अलविदा कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है भाई। मेरे तो गाइस सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प किया उन लोगों ने मेरे साथ वीडियो बनाने में, काफी अच्छा अच्छा बात और काफी अच्छा अच्छा सीन भी दिया उन लोगों को। खास करके थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसान भाई को, क्योंकि उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन मेरे वीडियो को काफी ज्यादा अच्छा बना दिया है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ। और बोलना चाहूंगा कि ये वाला वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगा, ठीक है। और एडिटिंग करने में तो मैं क्या बताऊँ, इतना छोटा छोटा पार्ट को ना काफी ज्यादा मेहनत लगा। आप लोगों को समझ में आया ही होगा जिन लोगों को एडिटिंग का थोड़ा नॉलेज है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करना। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।